आप हो या मैं हूँ, शॉपिंग किसे पसंद नहीं होती है, लेकिन ये शॉपिंग और मजेदार हो जाती है अगर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए तो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ हैक्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप शॉपिंग में हजारों बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी और मेरा नाम है मेधा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स एंड हैक्स की जिनसे आपकी शॉपिंग बन जाएगी और भी किफायती। जब तक हम ऑफलाइन शॉपिंग करते थे तब तक हमारे पास बार्गेनिंग के भी काफी स्कोप होते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ने लगा है तब से हमारे पास ये मौका चला गया है। इसीलिए ही हमें जो भी सही सामान दिखता है हम उसे खरीद लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टूल्स हैं जो आपको प्राइस कंपेयर करने में मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट प्राइस के होते हैं, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम प्राइस पहले कंपेयर करें और उसके बाद ही शॉपिंग करें। कुछ पॉपुलर प्राइस कंपैरिजन साइट्स या टूल्स हैं जैसे स्कैंडर्ड, कीपा, प्राइस हिस्ट्री एक्सेट्रा। वैसे तो इन साइट्स से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन वेबसाइट्स पर भी पूरा डाटा नहीं मिलता। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट पर प्राइस ड्रॉप अलर्ट लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगला हैक है डिस्काउंट कूपन साइट्स। बहुत सारे शॉपिंग साइट्स ऐसे हैं जहां आप चेकआउट करते टाइम कूपन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि कूपन दुनिया पर भी आपको कई शॉपिंग साइट्स के लिए कूपन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने फेवरेट शॉपिंग साइट्स के ईमेल न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा कई ऐसे स्टोर्स या साइट्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिकॉर्न स्टोर, माई यूनी डेज पर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही ऑफर चलते रहते हैं, जहां आप स्टूडेंट आईडी दिखाकर एक अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। वैसे अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप प्रोडक्ट को अपने छोटे भाई या बहन जिनके पास स्टूडेंट आईडी हो उनके नाम पर ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ, जो कि है रिड्यूस्ड आइटम खरीदना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आप उन्हीं के रिन्यूड या रिफर्बिश्ड आइटम भी चेक कर सकते हैं, जैसे Amazon रिन्यूड और कैशिफाई। और वैसे तो हम ये जानते ही हैं कि कितना भी कर लो शॉपिंग तो हम करेंगे ही, और कितना भी प्लानिंग कर ले जो चीज पसंद आ जाए उसको लिए बिना हम मानते नहीं है, भले ही उसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड या BNPL लेना हो। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ भी कुछ हैक यूज कर लें टू सेव मोर। जैसे अगर आप Amazon से ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो आप ICICI Amazon कार्ड, Flipkart से ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो Flipkart Axis Bank कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल हर टॉप प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए ऐसे कार्ड्स लॉन्च कर रही है जिनसे शॉप करने पर अच्छे कैशबैक मिल जाते हैं। इनसे आप लगभग 15-20% तक की सेविंग कर सकते हैं। अब हमारा अगला हैक है बिजनेस के नाम पर शॉपिंग। ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हम बिजनेस के नाम पर कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो आप सामान को बिजनेस के नाम पर ही खरीद सकते हैं। इससे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी का नाम, GST नंबर, HSN नंबर और कंपनी के एड्रेस के साथ टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी GST रिटर्न फाइल करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC एक तरह का टैक्स है जो एक बिजनेस अपनी परचेज पर पे करता है और बाद में सेल करते समय अपनी टैक्स लायबिलिटी की भरपाई के लिए इसका यूज करता है।
कोई भी बिजनेस अपनी परचेज पर पेमेंट किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट का क्लेम करके अपने टैक्स के बर्डन को कम कर सकता है। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट हैक है शेयर होल्डिंग रिवॉर्ड्स। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हैक आपके लिए काफी शॉकिंग भी होगा और फायदेमंद भी। इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अलग से भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि ट्राइडेंट अपने शेयर होल्डर्स को सभी होम टेक्सटाइल के सामान पर 25% का डिस्काउंट ऑफर करती है। बाटा हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 20% का स्पेशल डिस्काउंट कूपन भेजती है। इसके अलावा इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड मतलब IHCL अपने सभी शेयर होल्डर्स को होटल सर्विसेज पर 25% का डिस्काउंट ऑफर करती है। इसीलिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन शेयर्स के एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जरूर पढ़ लें। यहाँ हम आपको ये स्टॉक रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बस इनके रिवॉर्ड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। तो इस वीडियो में हमने बात की कुछ जरूरी हैक्स के बारे में जिनसे आप शॉपिंग पर अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी हैक्स को अच्छे से इस्तेमाल किया तो आप शायद 50-60% तक की सेविंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप शॉपिंग करते टाइम कैसे मैक्सिमम सेविंग करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।